नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। चश्मे बद्दूर के सीक्वल में साथ नजर आ सकते हैं कार्तिक और जैकलीन फर्नांडिस। क्या है ये खबर, आइए आपको बताते हैं। वेल, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और जैकलीन फर्नांडिस का नाम कुछ वक्त पहले किरिक पार्टी नाम की एक फिल्म से सामने आया था, जो कि साउथ की रीमेक थी। हालांकि ये फिल्म लंबे वक्त तक शुरू नहीं हो सकी और अब बताया जा रहा है कि कार्तिक ने किरिक पार्टी को बाय कर दिया है। किरिक पार्टी के बाद कार्तिक और जैकलीन का नाम एक और फिल्म के लिए सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म चश्मे बद्दूर सीक्वल के मेकर्स ने हाल ही में कार्तिक आर्यन और जैकलीन फर्नांडिस को अप्रोच किया है। जैकलीन फर्नांडिस को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है और वो इसे साइन करने के लिए तैयार भी हैं। सोर्सेस की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स कार्तिक आर्यन को चश्मे बद्दूर सीक्वल के लिए साइन करना चाहते हैं, क्योंकि कार्तिक ऐसी फिल्मों का सबसे प्रॉफिटेबल चेहरा है। उनकी हालिया रिलीज फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार किया है और प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि कार्तिक आर्यन इस फिल्म के लिए परफेक्ट है। इसके साथ ही चश्मे बद्दूर सीक्वल की कहानी भी काफी फनी है, जिसको कार्तिक बहुत अच्छी तरह से पर्दे पर पेश कर सकते हैं। वेल, कार्तिक आर्यन इस समय इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 में काफी बिजी हैं। सोर्सेस की माने तो चश्मे बद्दूर के निर्माता लगातार कार्तिक के साथ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही वो इम्तियाज अली की फिल्म का उदयपुर शेड्यूल खत्म करके आते हैं, वैसे ही डायरेक्टर के साथ पर्सनली मिलेंगे और ये फैसला लेंगे कि वो चश्मे बद्दूर सीक्वल को साइन करेंगे या नहीं। वेल, अगर कार्तिक आर्यन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कार्तिक जल्द ही सारा अली खान के साथ अपनी फिल्म लव आजकल 2 पूरी कर लेंगे, जिसके बाद वो अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर के पति पत्नी और वो सीक्वल का दूसरा शेड्यूल पूरा करेंगे। आपको बता दें, फिल्म लुकर छिपी के बाद बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की गिनती अब एक शानदार एक्टर के तौर पर होने लगी है। अपनी एक्टिंग की वजह से वो फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। लुकर छुपी की शानदार सक्सेस को देखते हुए कार्तिक आर्यन ने अपनी फीस बढ़ा ली है। गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करते समय अपनी फीस कम कर लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने फीस बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।